वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज लक्षण मम्मी एक उज्ज्वला लाइफस्टाइल। एंड आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है कि हमारी दो डॉल्स का आज एनुअल फंक्शन है और दोनों तैयार हो रहे हैं और मधु भाभी उनका मेकअप कर रही है। ये हमारे इन हाउस मेकअप आर्टिस्ट है, आपको चार्जेस बाद में बता देंगे उनके चैनल में। और ये रहा उनका फिनिश प्रोडक्ट मेकअप और इसका अदा ही हुआ है क्योंकि ये बीच में हंस रही है, इसको बहुत हंसी आ रही है। और ये देखो नकली मेकअप, एक सेकंड, दोनों रेडी है। इसका मराठी परफॉर्मेंस है और इसका गुजराती परफॉर्मेंस है, उड़ी उड़ी जाए पे इसका और इसका मराठी है। और कोइंसिडेंस आपको बताऊँ, मैं भी एट स्टैंडर्ड में जब थी महात्मा में तभी मेरा भी गाना सेम था अमित ठाकुर, और ऐसा ही साड़ी था बट पर्पल में था मेरा, तो मेरे को एकदम नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। और मधु अभी 4 बजे खाना खा रही है अभी क्योंकि बहुत बिजी हो गए हैं। हमने तो अभी तक खाया ही नहीं, खाएंगे हाँ ये लोग अभी खाएंगे क्योंकि और बहुत सोच समझ के खाना पड़ेगा क्योंकि फिर। और ये देखो ये लड़का देखो, इसको ये तो बहुत ज्यादा थक गया है खा पी के। सो अभी हम आपको डायरेक्ट मैं वहां का दिखाऊंगी ग्राउंड का। और एक चीज, इनके ग्राउंड में जो शूट करने वाला है वो मेरा दोस्त रुचिर शूट करने वाला है, जिसने मेरी शादी के भी फोटो वगैरह निकाले थे, तो उसको भी मिलूंगी तो वो भी दिखाऊंगी आज आपको। चलो फिर, वो जिसने हमारे दोस्त हीरोइन को हम काला टीका लगा रहे, नजर ना लगे, आप भी नजर मत लगाना। So guys, और ये तो पूरा ही काला टीका है, हमने काला टीका लगा दिया है। चलो अभी ये मिलेंगे डायरेक्ट आपको स्टेज पे, अभी हम जाएंगे तभी व्लॉग लूंगी, अभी नहीं लूंगी, एनर्जी नहीं है बिल्कुल। फाइनली जिया खुशी को स्कूल भेजा, उनके स्कूल के एंट्रेंस में इतना अच्छा फ्लावर रंगोली लगा हुआ था और अभी हम लोग भी एंट्री कर रहे हैं। लक्षू को ऐसा लग रहा है पता नहीं उसकी स्कूल में जा रहा है वो या उसको इस स्कूल में डाल रहे हैं हम लोग, तो वही से रो रहा था ना, पूछो ही मत। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, उसको समझा के थक गई, बट उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जा रहा है डांस परफॉर्मेंस के लिए या हम लोग उसको छोड़ने जा रहे हैं, पता नहीं उसको क्या लग रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसको। मैंने इतना बोला जिया दीदी डांस, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। सो फर्स्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रहा है और जैसे कि आपको पता है कि हम हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति जी के पूजा से करते हैं, तो गणपति जी को डेडिकेटेड ये परफॉर्मेंस था उनका। बहुत अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने, इससे लिटरली उनका हार्डवर्क और परसिस्टेंसी दिखता है। बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सारे बच्चे, छोटे से लेके बड़े तक, एकदम शानदार। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस, कोऑर्डिनेशन, जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा एक्ट बिठाया था बहुत ही ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर लक्ष्य खुद को रोक ही नहीं पाया डांस करने से, उसका डांस निकल ही गया आखिर, मतलब जो रोते रोते आया था अभी डांस और गाने देखकर उसको मज़ा आ रहा है। उसको स्टार्टिंग में जैसे मतलब भाषण वगैरह चालू था, स्पीच वगैरह दे रहे थे जो चीफ गेस्ट आए थे, उसमें उसको मज़ा नहीं आया, बट जैसे डांस चालू हुआ उसके मज़े होने लगे, बहुत मज़ा आ रहा है उसको। लक्ष्य को लाने का मेरा ये एक ही मकसद था कि वो इतना अच्छा डांस करता है ना, उसको डांस देख के वो रोक नहीं सकता अपने आप को। जैसे हम, मेरी वैसी आदत है, मुझे डांस का बहुत शौक है, द सेम वे लक्ष्य को भी डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो इतना एंजॉय कर रहा था, उनका स्टेप्स कॉपी कर रहा था, जैसे बच्चे कर रहे वैसे उनके जैसे कर रहा था। ही जस्ट लव्स डांसिंग। अभी उसके स्कूल में भी एनुअल डे होने वाला है पता नहीं कब, और यहाँ पर ड्रोन शॉट्स चालू थे, बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत अच्छा डांस बच्चों ने किया और उनका कोऑर्डिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे ना मतलब दिल से करते जो भी करते, अगर मिस्टेक्स भी हो रही है तो भी इट्स फाइन। और ये देखो ड्रोन ऊपर चल रहा है, इतना मज़ा आया ना। उसके बाद फिर ये एक और परफॉर्मेंस था, बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने लिए थे, सम मीनिंगफुल सॉन्ग्स और इन्जॉयबल सॉन्ग्स जिसको मतलब इन्जॉय कर सकते। मतलब मैंने देखा है कोई कोई एनुअल डेज होते हैं जिसमें ओनली मीनिंगफुल ऐसे सॉन्ग्स नहीं लेते, ये वो, दैट्स ऑल्सो राइट, बट कुछ चीज़ें बच्चों के एन्जॉयमेंट के लिए बनी रहती है और उन चीज़ों को एन्जॉयमेंट के तौर पे ही लेना चाहिए। पर्सनली मुझे ये वाला एक्ट बहुत पसंद आया, मतलब ये
गाना मुझे बहुत पसंद है, बावरे बावरे। और जिस तरीके से इनका जो कोऑर्डिनेशन और स्टेप्स बिठाए थे ना बच्चे, एकदम परफेक्ट कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लक्ष्य तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स है ये। और गर्ल्स इतना अच्छा कर रही थी ना, मतलब उनको ये पूरा गाना का जो डांस था एकदम परफेक्टली बैठ गया था, इतना अच्छा उन लोग परफॉर्म किए। और इसमें बॉयज़ भी थे, बहुत मज़ा आया, मतलब मुझे ये एक्ट बहुत अच्छा लगा। कुछ एक्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगे, उनमें से ये एक्ट था जिसमें मतलब लिटरली बहुत बहुत मज़ा आया। एंड दे डिड अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्स फ्रॉम टुडे। सो अब ये हो रहा है खुशी वालों के सेक्शन का परफॉर्मेंस स्टार्ट। तो पहले कोई और बच्चों का, मतलब उन्हीं के क्लास के कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है और देख के बहुत मज़ा आ रहा है और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो इनका परफॉर्मेंस मैंने थोड़ा स्पीड में डाला है और इसके बाद अभी खुशी का परफॉर्मेंस आएगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि खुशी कैसे डांस करेगी। चलो वेट अभी ख़त्म होने ही वाला है, चलो आने वाली है खुशी। सो हियर स्टार्ट्स खुशीज परफॉर्मेंस। हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए और गाना था उड़ी उड़ी जाए, तो गाना तो पूरा डाल नहीं सकते, बीच में ही खड़ी है वो एक लड़की के पीछे, आपको दिख रहा नहीं होगा, रुको थोड़ी देर में दिख जाएगी। ये रही खुशी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया खुशी ने, बहुत मज़ा आया हम लोग को देख के। और जब है ना हमारे बच्चे मतलब स्टेज पर आते हैं ना तो बहुत प्राउड फील होता है। इवन द फर्स्ट टाइम मैंने किसी बच्चे को देखा था जब लक्ष्य भी नहीं हुआ था, तो वो थी जिया, जिसका फर्स्ट परफॉर्मेंस था, वो देवी माता बनी थी। एंड यही स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे। और खुशी के और कानू का परफॉर्मेंस था सीतारा में, वो भी बहुत प्यारा फर्स्ट परफॉर्मेंस था। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने बच्चों को स्टेज पर कॉन्कर करते हुए देखते हो। बहुत ब्यूटीफुली सारे बच्चों ने परफॉर्म किया, गाना नहीं डाल सकती ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, बट गाना था उड़ी उड़ी जाए शाहरुख वाला फ्रॉम द फिल्म रईस, बहुत ही अच्छा गाना था। और खुशी ने भी बहुत अच्छा किया और दिख भी कितनी प्रिटी थी, ज़्यादा बड़ा नहीं था, आई थिंक सो 1.5 मिनट्स का, बट बहुत अच्छा डांस किया लोग ने, एकदम परफेक्ट। तो दिस वॉज वन ऑफ द ब्रेड टेकिंग परफॉर्मेंसेज जिसमें शिवाजी महाराज के पीछे से एंट्री दिखाई थी। शिवाजी महाराज पे बेस्ड ये एक्ट था, वन ऑफ द ब्रेड टेकिंग, मतलब बहुत गूस फ्रेंच आ गए थे पूरे बॉडी में ये परफॉर्मेंस जब चालू थी। तो इनका चैनल है स्कूल का DSP का, उस पर लाइव परफॉर्मेंसेज है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। मैं ज़्यादा डाल नहीं सकती ड्यू टू कॉपीराइट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बड़े बच्चे थे 10th के, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही ब्यूटिफुली they have done this act, और बहुत ही सुंदरता से उन्होंने परफॉर्म किया, एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। बड़े बच्चे तो और भी अच्छे से करते हैं, और शिवाजी महाराज का जिन्होंने रोल किया था उन्होंने बहुत अच्छा निभाया, एकदम ब्यूटीफुल। फाइनली आज के हमारे जिया के परफॉर्मेंस की बारी, वो पीछे के रो में ग्रीन साड़ी में बैठी अभी फिलहाल। तो मुझे ये गाना देखते ही ना एकदम नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला, ये जो गाने पे सेम गाने पे मैंने 8th स्टैंडर्ड पे परफॉर्म किया था, और ऐसा ही सेम हमारे बॉयज़ का ड्रेस था और गर्ल्स का साड़ी सेम ऐसे ही थे, बट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, और मेरा पर्पल था। और ये रही जिया लास्ट कॉर्नर में, आपको दिख रही होगी ग्रीन साड़ी, और बहुत अच्छा उन लोग इन्होंने भी परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा किया बच्चों ने। इनकी प्रैक्टिस दिख रही है, बट बेचारी जिया का गजरा निकल रहा था, तो बार बार गजरा हैंडल कर रही थी डांस परफॉर्मेंस के बीच में। सो इट वॉज क्यूट टू सी हर हैंडलिंग हर गजरा एंड ऑल्सो डांसिंग इन बिटवीन, सो इट वॉज अ वेरी क्यूट परफॉर्मेंस, एकदम अच्छा किया बच्चों लोगों ने डांस। तो एक और एक्ट था जो कि गोंधड़ का परफॉर्मेंस था, महाराष्ट्र की बात हो और गोंधड़ ना हो अंबाबाई का, तो फिर क्या ही बोले। तो बहुत अच्छा इनका भी परफॉर्मेंस मुझे लगा, बड़े बच्चे थे, एकदम ब्यूटीफुली कोऑर्डिनेटेड। और जब गोंधड़ परफॉर्म किया जाता है ना, तो इट्स डेफिनेटली हार्ट टचिंग है, क्योंकि बीइंग अ महाराष्ट्रियन गर्ल, मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, तो मेरे को जब भी मैं इनका देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा इन लड़कियों ने भी किया था। उसके बाद फायरवर्क्स हुए क्योंकि आए राम जी और सीता भैया, क्योंकि अभी अयोध्या में हमारा राम मंदिर बन रहा है, जैसे कि आपको पता है, जो कि 22 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन है, तो उन पे बेस्ड ये एक्ट था। और है क्या एक्ट था, मतलब फुल्ली लाइक गूस फ्रेंच वाला एक्ट था, मतलब टोटली इतना मज़ा आया ना ये एक्ट देखकर, ऐसा लग रहा था कि है, मतलब थैंक गॉड उन्होंने ये सब लिया।
किया इस एक्ट में, और बच्चों को मतलब राम जी का जो कथा है शॉर्ट फॉर्म में दिखाया, लेकिन बहुत अच्छा मतलब उन्होंने एक्ट तैयार किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये था एंडिंग इस शो का, एंडिंग वाला एक्ट था तो ज़बरदस्त होना ही था। फुल स्टोरी दिखाई थी कैसे रावण ने सीता हरण किया, फिर कैसे हनुमान जी आए, कैसे बचाया, और ये सब मतलब फुल स्टोरी एकदम परफेक्ट टाइमिंग, और एकदम मतलब शो जैसे हिट करता है तो सबसे हिट होता है तो सबसे लास्ट का जो परफॉर्मेंस होता है उस पर डिपेंडेंट होता है, ये पूरा उनका इसी पर डिपेंडेंट था, एकदम ब्यूटीफुल। अब जा रहे हैं मेरे घर पे खाना खाने, बट हम रोटी यहाँ से बना के लेके जा रहे हैं। ओ पापा पिक के बच्चों, पगले हो गए ये हमारे बच्चे। अभी हम जा रहे हैं घर पे पैदल पैदल इस पलटन को लेके, चार बच्चे और दो माए। ये वधवा भी, जैसे कि मैंने बोला हम निकल चुके हैं क्योंकि हम जा रहे हैं मेरे घर पे खाना खाने। मनीष ने और मुकेश भाई ने मिल के ऑलरेडी खाना बना दिया क्योंकि उनको पता था कि हम लोग अभी लेट हो जाएंगे, और एनुअल फंक्शन परफॉर्मेंस पूरा 9:30 हो गया था। फिर घर आके हमने रोटियां बनाई और अभी हम जा रहे हैं। और ये देखो सब पलटन हमारी है, ये बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे कि पूछो ही मत। फिर अभी हम निकल रहे हैं फटाक से घर पे जाते और देखते हैं उन्होंने क्या बनाया, और खा के देखते हैं कैसा बनाया है। लेट्स गो। हाय गाइस, हड्डी खाओगे? मेरे भाई ने बनाई है। चलो मुकेश भाई को चेक करा, भाई बराबर आ गया नहीं है? ये भी बहुत जला दिया है। वर्ल्ड से आके हम लोग खाना खा के सो गए थे, और उसके बाद मैंने एंडिंग लेना भूल गई थी, तो बहुत ही मज़ा आया हम लोग को। डांस परफॉर्मेंस देख के भी बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया। एक्चुअली डांस परफॉर्मेंस जब भी देखती हूँ, मुझे डांस का इतना शौक है कि मैं जब भी एनुअल फंक्शन के डांस परफॉर्मेंस देखती हूँ ऐसा लगता है कि काश हम लोग वो टाइम पर फिर से चले जाए और हमें भी वो मौका मिले। बट अभी ये टाइम पे कहाँ हमें मौका मिलता, बट जब भी मौका मिलता मैं पकड़ लेती हूँ। आपको पता है गए साल मेरे स्कूल में जहाँ पर मैं पढ़ा थी वहाँ पर टीचर्स को परफॉर्म करने की बारी मिली थी, तो मैंने परफॉर्म कर लिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा डांस का शौक है, और आप देखते हो विसर्जन वगैरह भी हम छोड़ते नहीं, वहाँ पर भी हम डांस करते हैं। तो मुझे पर्सनली डांस का इतना शौक है ना, इतना कीड़ा है मेरे अंदर कि पूछो मत, कि जब भी कहीं ढोल बजता है कुछ भी होता है तो बहुत ये होता है। तो इट वॉज़ अमेजिंग टू सी आर किड्स डांस। सो इतना ही ये ब्लॉग को मैं यही एंड कर दूँ। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, पीस आउट। और चालू है ना रिकॉर्डिंग, ये दिख रही थी। और आपको परफॉर्मेंस कैसे लगा, जिया खुशी कैसे लग रहे थे, ये मुझे ज़रूर बताना।